आज हम करने वाले हैं पीसी बिल्ड, और हमारे पास था ये वाला पीसी जो कि है बाबा आजम के जमाने का। इसमें सिंपल से काम हो जाते थे छोटे मोटे, लेकिन हमारे स्कन की डिमांड रही कि भाई इसको गेमिंग करना है और गेमिंग पीसी ही चाहिए। और यहाँ विदिशा में कोई भी बंदा गेमिंग पीसी नहीं बनाता, इवन भोपाल में भी नहीं बनाते। और अपन ने भी क्या वीडियो देख देख के सोचा कि क्यों ना अपन खुद बनाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है दोस्तों ये, क्योंकि हमारे साथ हमारा स्कन है जो कि गेमिंग पीसी बनवाएगा, और रागनी भी है, और हम आपको बताएंगे पीसी कैसा बनने वाला है। तो ये सामान मेरे पास है, कुछ आया है, कुछ सामान मैंने मंगा लिया है, ये कुछ पुराना सामान है और ये SMPS है, सब अपन फिट करेंगे। आज जो है थोड़ा सा टेक्निकल काम करने वाले हैं, और मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया इस तरह का काम, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सॉकेट्स को फंसाना रहता है नंबर वाइज, और वो अपन करते हैं, दिखाते हैं आपको गेमिंग पीसी बनाकर। सो शुरू करते हैं। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, तो इसको हटा देंगे, नया वाला जो कैबिनेट मंगाया है उसमें ये सब कुछ असेंबल करना है। तो लेट्स गो। हमारा दोस्तों नया कैबिनेट, और वो पुराना मैंने आपको दिखा दिया, ये थोड़ा हैवी है और गेमिंग है, इसको अभी हम असेंबल कर रहे हैं। ये सारा सामान इसके अंदर लगाना है मुझे, और हमारा स्कन रेडी है। क्या स्कन, कौन सा गेम खेलना है बताओ जल्दी से? चूचू चाल्स गेम खेलना है इसको। तो इसमें जो है, इसमें बहुत सारे वायर्स तो ऑलरेडी आए हैं, और अभी हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कैबिनेट को बनाएंगे। ठीक है, पास इंस्ट्रूमेंट के नाम पर सिर्फ एक पेचकस है, इसी की सहायता से पूरा हम पीसी बनाने वाले हैं। क्या इसके अंदर है ना हमारा ग्राफिक कार्ड, इसको अपन बाद में लगाएंगे, सबसे लास्ट में जरूरत पड़ने वाली है। ज़्यादा हैवी ग्राफिक कार्ड नहीं है, अभी तो जस्ट एक बिगनिंग है, और GT 10 6 10 है, वो बहुत महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड्स आते हैं। और ये रहा हमारा मदरबोर्ड का बॉक्स, जिसके अंदर अपना कुछ सामान ऑलरेडी पहले से है। ये 2 SSD है मेरे पास, ठीक है, और ये 2 RAM है, ऊपर करो ना थोड़ा सा। रैम्स हैं, ये 8-8 GB की 2 RAMs हैं, और 250 GB की 2 SSD हैं। ये कुछ SATA केबल्स हैं, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये कुछ सामान पे इसी के साथ आया है, तो इसको भी साइड करते हैं। सबसे मेन चीज़ है अपना ये पावर सप्लाई, ये रहा पावर सप्लाई, और एक HDD भी है मेरे पास, हार्ड डिस्क भी है, तो इसको भी लगाएंगे, सारी चीज़ें लगेंगी। और ये रही पावर सप्लाई, ये कौन सी कंपनी की है, एंट स्पोर्ट की है, VS 400L है, और ये लगभग बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, तो ये पावर सप्लाई रही अपनी, इसी को लगाएंगे। सारा नया ही सामान है ना? हाँ, ये सारा नया सामान है, ये अपन ने नया मंगाया है, इसको रख देते हैं साइड में। जो सिस्टम अभी हम बना रहे हैं, इसमें 400 वाट की पावर सप्लाई सफिशियंट है। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई इसका मदरबोर्ड कहाँ है, तो मैं बताना चाहूँगा, मदरबोर्ड जो है ऑलरेडी हमने जो है साइड में रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसको इसमें हार्ड डिस्क को ही फिट कर ही देते हैं लगे हम, और जो हार्ड डिस्क है इसको यहाँ ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पे अपने को जो है हार्ड डिस्क का चैम्बर मिल जाता है। ये नट खोलेंगे, फिट कर दूंगा, ये फिट हो चुका है, और इसके स्क्रू में यहाँ पे खींच दूंगा। सो अभी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों SSD यहाँ पे होगी दोनों, इन दोनों में, और इन दोनों को मेरे ख्याल में निकालना पड़ेगा, तभी आके इसमें ये फिट होंगी, तो इनको निकाल लेता हूँ मैं। हार्ड डिस्क से बहुत कम वजन है इसमें, और आजकल ये फास्ट कहते हैं इसको। तो अपन ने क्या करा, 2 SSD लगाई, तो एक में अपन ने विंडो इंस्टॉल किया, मतलब पूरा एक विंडो के लिए ही बनाया हुआ है SSD अपन ने, तो इसमें अपन इस तरह से कुछ फिट हो जाता है, और इसको अपन इसमें ऐसे लगा देंगे छोड़ दो। ये है एक मदरबोर्ड H61 जो कि मैंने इसमें लगाया है, LGS 6115 को सपोर्ट करता है, और इसमें i5 प्रोसेसर सपोर्ट करता है, तो i5 लगा हुआ है इसके अंदर, और ये एंट स्पोर्ट का एक RGB फैन है, और इसमें अपन को रैम इंस्टॉल करना है बस, खाली रैम्स के दोनों को मैं फिट करने वाला हूँ। रैम फिट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से इसको ऐसे करना है और बस दबा देना है। इसमें जो सॉकेट दिख रहा है ये वाला, स्पाइन को लेके ऐसे देख के दबा देना है, तो आपका रैम फिट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं सॉकेट्स। दूसरा रैम है, इसको भी अपन ऐसा ही फिट करेंगे, तो ये अपने आप बटन दब जाते हैं। ठीक है, तो ये रैम इंस्टॉल हो चुके हैं इसमें, और क्या बचा है इसमें जो है,
अब बस ये पावर सप्लाई के इसमें पावर देना है और ग्राफिक कार्ड अपन बाद में लगाएंगे इंस्टॉल होने के बाद, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो ये होती है एक पत्ती होती है और ये मदरबोर्ड के साथ ही आती है, तो जैसा भी अपना कैबिनेट होता है उसके हिसाब से इस पत्ती को लगाया जा सकता है। तो अब इस पत्ती को इंस्टॉल करेंगे, तो कुछ नहीं करना, अंदर से अपन दबा देंगे तो ये फिट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैंने पीसी को यहाँ पर रख दिया है क्योंकि बच्चे थोड़ा मस्ती कर रहे थे बिस्तर पे, तो अभी हमने यहाँ पर टेबल पर रख दिया हमारी, अभी हम यहीं से इसको बिल्ड कर रहे हैं। तो ये मदरबोर्ड फैन इंस्टॉल हो गया है और बस इसमें कुछ चीज़ें और लगना है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लग जाएगा। और अगर बात की जाए हैवी ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें हैवी ग्राफिक कार्ड के लिए बहुत जगह दी गई है, अच्छा बड़ा वाला ग्राफिक कार्ड लग सकता है। अब बारी है दोस्तों अपने SSD को कनेक्ट करने की, क्योंकि मैंने SSD वगैरह कनेक्ट इसलिए नहीं किए ताकि मैं इसको लेटाता तो SSD को नुकसान ना पहुँचे, वैसे तो नहीं पहुँचता नुकसान, फिर भी अपनी रहता है। एक SSD, दो SSD, दोनों फिट हो गए SSD, और इनके स्क्रू यहाँ से कस देंगे ताकि और सेफली टंगे रहें ये। जैसा कि आप देख रहे हैं दो SSD लगाई है मैंने यहाँ पे ये, और दोनों SSD खास बात क्या है दोस्तों, कोई भी SSD हो उसमें मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, जैसे कि अपनी ये HDD है इसके अंदर मैकेनिकल वो होती है, प्लेट होती घूमती है, तो ये गर्म होती है, इसको अलग रखा गया है और ये ठंडी रहती है हमेशा, ये गर्म नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। एक चीज़ ये भी है इंटरेस्टिंग जानने वाली बात। तो अपन को इसके वायरिंग करना है, बस हो गया है ऑलमोस्ट काम, तो इसको मैं वायरिंग करूँगा फटाफट से और फिर मैं आपको दिखाऊंगा सिस्टम को चला के, ठीक है। इसको वायरिंग करके बस चला रहा है, ये लग चुका है एकदम, अपन अपनी अब SSD को हो गई है पावर, अब इसको और दे दे पावर, इसको भी दे देते हैं पावर अपनी हार्ड डिस्क को, यहीं से लग जाएगी इस तरह से, ये लग गई है मैं अपनी पावर, इसको भी लग गई पावर ये मुझे, तो एक पावर मैं यहाँ पे भी दूंगा तो अपने फैन को पावर मिल जाएगी, सारे फैन चालू हो जाएंगे, इसको भी पावर दे दी अपन ने, तो ये पावर सप्लाई का काम हो चुका है। अब अपन लगाना साटा केबल लगाना। तो दोस्तों ये जो केबल का कचड़ा दिख रहा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और केबल मैनेजमेंट अब मैं करने वाला हूँ, इसमें लगेगा बहुत टाइम। केबल मैनेजमेंट के बाद यहाँ का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ का लुक भी दिखाऊंगा और कंप्यूटर को चला कर दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक हो चुका केबल मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, देखिए कुछ इस तरह से केबल मैनेजमेंट हुआ है, लेकिन क्या करें अभी छोटा मदरबोर्ड है तो इतना अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि फिर कुछ वायर्स यहाँ चले जाते, कुछ वायर्स यहाँ चले जाते तो और सुंदर हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। अपनी दो SSD हार्ड डिस्क SMPS ये फैन कंट्रोलर और ये USB का सारा चीज़ें लग चुकी है, उसको पैक करने वाले हम लोग। तो अपना जो है यहाँ से कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, देख सकते हैं कितना क्लीन दिख रहा है PC। अब इसमें लाइट जलेंगी ना तब आएगा मज़ा, बहुत ही खाली खाली और बहुत ही साफ दिख रहा है। गैलेक्स का ये कैबिनेट है, अब इसका फर्स्ट लुक दिखाऊंगा मैं आपको, अब इसका फाइनल मैं इसमें ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करता हूँ, उसको चालू करके देखते हैं बस फटाफट से। ये है दोस्तों ग्राफिक कार्ड और छोटा है, लेकिन अब क्या कर उसको पोर्ट को खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपन इसको छोटा सा ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं। इसकी पत्ती है, पत्ती गलत क्यों देते हो, ऐसा होता है, दिखा तो देते हैं कैसा होता है। तो छोटा सा है, बहुत बच्चा वाला है, बहुत बारीक सा है, बच्चों का है, लग गया यहाँ पे, कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से हम। तो दोस्तों इसका भी रुका, दोस्तों ये रेडी हो चुका है और बहुत ही क्लीन है, और इसमें अपना ग्लास लगाना है खाली, और ये ग्लास बहुत अच्छा लग रहा है और ग्लास बिल्कुल दरवाजे की स्टाइल में लगता है इसमें दोस्तों। पन्नी
अभी लगी रहने दो ना। आपको पन्नी पन्नी निकालने का बहुत शौक है ना। हाँ, पन्नी निकालने के बाद मजा नहीं आया, तो पन्नी रखते हैं। इसको चालू करते हैं। दो से ढाई घंटे की मेहनत हो चुकी है इसको बनाने में, पावर दे दिए, बस मैं इसको चालू करने वाला हूँ। तो देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है, चालू होता है कि नहीं होता। और बटन कहाँ पे है यार, बटन तो पता ही नहीं मुझे इसमें। चालू होगा कि नहीं, है ना। मैं तो डर गया था बहुत तेज। और आ गया, विंडो भी आ गया, दिखा दो विंडो, दिखा दो विंडो आ गया अपना। स्कन और बैठ गया टेबल, स्कन तो बैठ ही जाता है हमारा। और विंडो आ चुकी है, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इसको चालू कर लूँगा बना के। तो विंडो आ चुकी है दोस्तों। अकेला इसमें ये है कि फ्यूचर में हम अपग्रेड करेंगे तो सिर्फ प्रोसेसर है, प्रोसेसर और मदरबोर्ड ही अपग्रेड करना है। स्कन आपकी मुंडी हटाओ बेटा। मुकुंद ने तो देखा ही नहीं है अभी। दे आ गया, देखिए गाइस कितना बढ़िया चालू हो गया। मुकु देखना जल्दी आओ, मुकु लाइट नहीं देखा नहीं दोस्तों। लाइट बंद करना, थोड़ा लाइट बंद करके लुक आएगा इसका। तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है लाइट बंद करने के बाद। हमारा स्क्रीन खेल रहा है और पूरा क्लियर दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि छोटा मदरबोर्ड है लेकिन बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों हमारा पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा? ये पीसी कैसा लग रहा है इसका लुक देखो दोस्तों, कितना प्यारा है। ये पूरा मैट है और ग्लॉसी फिनिश है। कहाँ छे बेटा ग्लास है, और हमें कमेंट करके बताएं। और इसमें फ्यूचर में हम इसका मदरबोर्ड और प्रोसेसर अपग्रेड करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी इससे हमारा काम चल जाएगा। क्यों बेटा, GTA 5 चल जाएगा? तो यहीं बेटा रहता है, इसकी जिद थी GTA 5 चलाना इसको। तो GTA 5 भी हम खेलेंगे तो उसका ब्लॉग बनाएंगे। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें। और रानी इधर आओ, तुम भी तो बताओ कुछ। तो रागनी से पूछ लेते हैं फटाफट से, रागनी का क्या कहना है? रागनी कैसा लग रहा है पीसी? बहुत ही सुंदर। और बहुत सुंदर लग रहा है और तो हाँ ट्रांसपेरेंट हो रहा है पूरा, मजा आ गया देखकर। और सारे फैंस चालू हो चुके हैं और हमारे स्कंद को अब गेम खेलना है। तो दोस्तों ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे ज्ञानी ब्लॉग चैनल को इसी तरह के और ब्लॉग्स देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और कुछ बोलना है मुझे भी कुछ बोल दे। क्या बोलना? वो आप तो बेल दिख गई होते भी दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना और चैनल तो लाइक भी कर देना। तो बेल दिख रही होगी उसको दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। और मुक्कु कुछ कहना चाहेगा? मुक्कु जल्दी आ, रुको। ये मस्ती करता रहता है।